गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 16। प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखी है। प्रोबेबल मतलब चांस। क्या किसी भी काम के होने की संभावना ही चांस कहलाती है। जैसे अभी हमारे पास कोई काम, हम बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा, आपका 50% चांस है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी सूरज निकल रहा है, ठीक है, और मैं बोलूं कि बारिश हो सकती है, तो ये यहाँ पर बारिश होने की संभावना क्या है, बिल्कुल नील है, और नहीं होने की संभावनाएं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि धूप निकल रही है। तो ऐसे ही इवेंट्स को हम प्रोबेबिलिटी के रूप में समझेंगे। कैसे? देखो, एक्सपेरिमेंट जैसे हमने किया कि हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, यहां पर मैंने बोला कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहां पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे प्राइम नंबर की। हमारे पास टोटल आउटकम के बारे में बात करेंगे, टोटल आउटकम कितने हैं, 3, और प्राइम नंबर यहां पर हमारे पास है 3 और 5, यानी 2 प्राइम नंबर से हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे हम यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी, टोटल आउटकम नीचे लिखेंगे और प्राइम नंबर लिखेंगे हम यहां पर ऊपर। तो ये प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी है, यानी प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने हैं, 2, और टोटल चांसेस है हमारे पास 3, तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो किसी भी काम के होने की, कोई एक्सपेरिमेंट है उसके में एक इवेंट होने की संभावनाएं हैं, उसको हम करेंगे, अगर उसकी संभावनाएं 100% है तो उसे बोलेंगे हम श्योर ऑफ इवेंट, यानी 100% संभावना है किसी भी काम के होने की। दूसरा हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, यानी किसी काम के होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, 0, और थर्ड ये 100% है और ये इम्पॉसिबल 0, और अनसर्टेन मतलब निश्चित नहीं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये 50-50 है। देखो, श्योर इवेंट है, हम परसेंटेज में बोलेंगे तो 100, तो तीसरा है हमारे पास अनसर्टेन इवेंट, तो श्योर इवेंट 100%, यानी ये हो गया 1, और ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट यानी 0, और अनसर्टेन की वैल्यू क्या आएगी, ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में, यानी अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, यानी कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमें किसी भी इवेंट की होने की संभावना, उसकी वैल्यू अगर श्योर इवेंट है तो 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0, यानी कुछ भी नहीं होगी, अनसर्टेन ये 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है, यानी किसी भी इवेंट की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी, यानी इन दोनों नंबर के बीच में ही हमारे पास इनकी इवेंट की वैल्यू लाई करेगी। तो अब हम पढ़ेंगे आउटकम, व्हाट इज आउटकम, आउटकम क्या है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स की हमारे पास चांसेस, वही आउटकम होगा, और एलिमेंट्री इवेंट्स दैट कैन बी हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम, इनको हम आउटकम्स बोलेंगे, ठीक है। तो
टोटल आउटकम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीओसी टोटल आउटकम्स बोलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट आर कॉल्ड टोटल आउटकम टीओसी हम बोलेंगे टोटल आउटकम। ये आउटकम है जो हमारे किसी भी काम को होने की बताते हैं, और उन्हें बोलेंगे आउटकम। और टोटल आउटकम सभी मिलाकर सारे होना या नहीं होना सारा हमारा क्या होगा टोटल आउटकम होंगे। इसमें स्टार्टिंग में करते हैं, सबसे पहले हम क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम कॉइन के बारे में बात करेंगे, सिक्का। यहां पर हमारे पास क्या क्या संभावनाएं होती है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वन कॉइन, एक कॉइन में हमारे पास आउटकम कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है। तो यहां पर टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, टू, ठीक है। टोटल आउटकम टू। अगर हमारे पास टू कॉइन है, दो सिक्के हम एक साथ उछालते हैं, तब हमारे पास कौन कौन से आउटकम बनते हैं। देखो ध्यान रखना, दोनों सिक्कों में हेड हेड, दोनों सिक्कों में हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो टोटल आउटकम हमारे पास यहां क्या बनेगी, फोर। अगर हमारे पास थ्री कॉइन से तब हम क्या करेंगे, देखो हेड हेड हेड, तीनों में हेड और हेड टेल, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ठीक है। अब टेल हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो टोटल आउटकम्स यहां पर हमारे पास कितने होंगे, टी ओ सी हो गए हमारे पास यहां पर एट। टोटल आउटकम कितने हो गए, एट। अब आगे करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अब हमारे पास से अगर हम कोई आर्टिकल्स या कोई चीजें हमको चीजें दे रखी है, तो वहां पर हमारे पास क्या क्या आउटकम्स होंगे। जैसे हमको बोल दिया कि एक बॉक्स के अंदर थ्री रेड बॉल है, टू दो ग्रीन बॉल है, और फोर ब्लू बॉल है। तो यहां पर टोटल आउटकम क्या होंगे हमारे पास, नाइन, ठीक है। कोई भी आर्टिकल हमको दे रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या आउटकम होंगे, उन सभी की क्वांटिटी हमको ऐड करनी है, तो वो होगा हमारा टोटल आउटकम, जितनी बोल है पूरे यहां पर होगा। थर्ड, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमको, तो टोटल जितने भी नंबर दे रखे हैं सारे हमारे आउटकम कहलाएंगे। जैसे हमको नंबर दे रखे हैं, आपको लेने, जैसे डाई है, डाई में कितने नंबर होते हैं, सिक्स। तो ये टोटल आउटकम यहां पर क्या होगा हमारे पास, सिक्स होंगे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स हमारे
आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं तो नंबर्स क्या होंगे, कोई भी नंबर आ गया हमारे पास जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो यहां पर हमसे बोला कि टोटल आउटकम कितने हैं, तो हम बोलेंगे 10 हमारे पास टोटल आउटकम है। अब इसमें से क्वेश्चन हमसे बोल दिया गया कि प्रोबेबिलिटी बताइए आप जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से नंबर डिविजिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर जो 2 से नंबर डिविजिबल है उनके आउटकम कितने होंगे, डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो यहां पर 2 का डिविजिबल वाले आउटकम कितने हुए, हमारे पास 5 आउटकम हुए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको बताना हो 3 के डिविजिबल तो बता सकते हैं, 6 के डिविजिबल बता सकते हैं हम। ठीक है, और हमको बताना है 2 और 3 दोनों के ही बताने हमको, तो यहां पर हम 2 और 3 दोनों के बताएंगे। हमने बोला डिविजिबल बाय 2 और 3, तो यहां पर हमको 2 के भी बताने होंगे या 3 के भी बताने होंगे, और का मतलब है दोनों आएंगे इसमें, 2 के भी आएंगे और 3 के भी आएंगे। तो देखो 2 के क्या क्या है, ये है 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें हम 3 के भी काउंट करेंगे, जो अगर 3 का ये है 1, ये भी है लेकिन ये 2 में अपन ने काउंट कर लिया, 9 भी है लेकिन ये भी 2 में काउंट कर लिया हमने, तो कितने हो गए ये, सॉरी 3 और 9 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए हमारे पास ये 5 और 2, 7 आउटकम हो गए, किसके 2 और 3 के मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 और 3 लिखा हुआ है तो इसमें दोनों लेंगे अपन, लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है 2 एंड 3 तो यहां पर हम आउटकम क्या लेंगे, 2 और 3, तो यहां पर हम लेंगे जो 2 और 3 दोनों से होता है वो नंबर लेंगे अपन। देखो यहां पर क्या होंगे हमारे पास, नंबर क्या होगा, ओनली 6, तो आउटकम कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि ये ही 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ठीक है, जो दोनों से होता होगा, ठीक है, वो लेंगे हम आउटकम। अगर हमारे पास एंड लिखा होता है तो जो दोनों से होगा वो लेंगे, और लिखा है तो हम क्या करेंगे जो दोनों में हो रहा हो, 2 के भी और 3 के भी दोनों के लेंगे हम। तो ये है हमारे पास आउटकम किसी नंबर्स के। अब हम बात करते हैं डाई, जिसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। डाई अगर हमारे पास एक डाई है, उसमें सिंगल डाई है, 1 डाई, तो यहां पर आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास यहां पर 6। अब इसमें से हम जो भी हमसे पूछा जाएगा उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 डाई है, 2 डाई में क्या आएगा हमारे पास, टोटल आउटकम हम काउंट करेंगे, कैसे बनेंगे ध्यान से समझना। हमारे पास एक तो 1 और 1, 2 डाइज में 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, ऐसे ही हमारे पास 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, इसी तरह से 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6, इसी तरह से 4 और 1, 4 और 2, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, और 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 4, 5 5, 5 6, और 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4,
सिक्स और फाइव, सिक्स और सिक्स। देखो टोटल आउटकम कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे, दो ढाई के टोटल आउटकम कितना आएगा 36 हमारे पास, दो ढाई के टोटल आउटकम आएंगे, तो इन्हें नोट कर लो। तो यहाँ पर ये आउटकम्स के बारे में, डाई के आउटकम्स समझा दिए टू डाइस के। अब आगे हमारे पास और भी हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।